हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी मैथ्स का कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा, मींस कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इससे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू के लिए क्या होता है इसका डिविजिबिलिटी रूल, टू के लिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग सीखेंगे टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 11 तक सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका टू। तो टू के लिए क्या होगा, टू के लिए आपका होना क्या चाहिए, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस आपका क्या होना चाहिए, या तो इवन नंबर होना चाहिए या तो ज़ीरो होना चाहिए, इवन नंबर या ज़ीरो, ठीक है, क्या यूनिट प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको 26 पता करना है कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब इसका यूनिट प्लेस आपका आ गया 6, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है, मीन्स ये 2 से कटेगा। अब इसी को लेते हैं 250, तो मैंने पहले बता रखा है कि क्या, या तो 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस या तो फिर इवन नंबर। तो इसमें यूनिट प्लेस आपका क्या है, 0 है, मीन्स ये 2 से कटेगा। अगर आप काटना चाहें देख सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा, 1, 2 1 0 2, 2 2 0 4, 2 5 0 10, कट गया। इसी तरह अगर इसको काटना चाहेंगे तो 13 पे कटेगा, ठीक है। अगर इसी तरह आप 13 को चेक करना चाहें, 13 कटेगा क्या 2 से, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो ये आपका नहीं कटेगा। इसी तरह चलते हैं 3 पे। तो 3 के लिए क्या रूल होता है कि आपको क्या करना रहता है, जो डिजिट है उसको सम करना रहता है एंड चेक फॉर डिविजिबिलिटी विथ 3। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको चेक करना है 27, तो 27 वैसे तो यह छोटा नंबर, आपको पता है 3 का जो टेबल होता है तो 3 × 9 होता है। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको करना पड़ेगा आपको, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2 + 7, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9। अब देखिए 9 कटता है क्या 3 से, अगर 9 3 से कटता है मींस ये 27 भी कटेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको कोई बड़ा नंबर मिल सकता है 2 5 2 5 2। अब मान लीजिए इसको आपको चेक करना है 252 को, तो आप किस कैसे कीजिएगा, इसी तरह आप सारा को ऐड कीजिए, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 5 9, तो अगेन ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। कोई सा भी नंबर आप लेके चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आप लेना चाहें 852, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, 8 + 2 10 + 5 15, और 15 क्या 3 से कटता है, 3 × 5 कटता है, मीन्स ये भी कटेगा 3 से पूरा नंबर, ठीक है। तो इस तरह पूरा नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 4 पे। तो 4 पे क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, ठीक है, चेक करना है कि वो 4 से कटता है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता है मीन्स वो नंबर आपका 4 से कटेगा, जैसे 428, ठीक है। इसको आपको चेक करना है 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कैसे करेंगे, लास्ट 2 डिजिट 28, 4 का मल्टीपल है, 4 × 7 28 होता है, मीन्स ये नंबर आपका 4 से कटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, 4 3 5 0 1 6 ये नंबर है, इसको कैसे, ओनली लास्ट 2 डिजिट हम लोग को मतलब है, बाकी इधर कितना बड़ा नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 16 4 से कटेगा, मीन्स ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। अब आते हैं 5 पे। तो 5 के लिए आपको क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस
0 एंड 5. 5 से कोई भी नंबर तभी कटेगा जब उसका यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है, ये कंपलसरी है. इसके अलावा कोई भी नंबर है वो 5 से नहीं कटेगा. जैसे 10, इसके एंड में क्या है, 0 है, ये भी कटेगा. 25, यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, ये कटेगा. 2225, यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, ये कटेगा. ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया 5 का. अब आते हैं 6 का. तो 6 पे आपको क्या करना है, अब देखिए 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 6 का फैक्टर होता है एक 2 × 3. 2 × 3 6 होता है. तो आपको करना क्या है, 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है. तो आपको करना क्या पड़ेगा, चेक 4, 2 एंड 3. मीन्स आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है. तो 2 के लिए आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस 0 एंड इवन, और 3 के लिए क्या, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं. सभी नंबर ले लिया 48 को चेक करना है. तो वैसे तो हम लोग को पता है कि 48 6 से कटता है, कितना बार में कटेगा, 6 8 जब 48 होता है. लेकिन अगर आपको चेक करना है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो पहले आपको 2 से चेक करना पड़ेगा. देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, मींस 2 से तो कटेगा, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया. सेकंड आपका क्या करना है, 3 से चेक करना है. तो 3 से चेक करने के लिए दोनों का सम करेंगे तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया. 12 भी 3 से कटता है, मींस 48 6 से कटेगा. अब देखिए 78 को चेक करना है, 78 को चेक करना है, तो ये 6 से कटेगा यानी. तो सेम चीज़ 2 से कटेगा क्योंकि ये इवन है. अब आप 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15. 15 से भी क्या होता है, 6 से कटता है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईजीली किसी भी कैलकुलेशन का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस मेथड को जानकर. ठीक है, ये जो मेथड है ये आपको सिखाया जाता है 6 7 क्लास में, लेकिन जो इसका यूज़ है वो आपको बहुत आगे तक आने वाला है. तो जो नेक्स्ट बच गया जो रूल है 7 8 9 10 11, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे. तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.